हरियाणा पंजाब में दो दिन से हो रही बारिश रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगी। हो रही बूंदाबांदी से गेहूं की फसल के बंपर उत्पादन की उम्मीद भी जगने लगी है। आपको बता दें कि बरसात व ठंड से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बारिश व ठंड से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होगी। जानकारी अनुसार करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने 2021 में बंपर फसल की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जगने लगी है। वर्ष 2021 बहुत उम्मीदों के साथ दस्तक दे रहा है। इस वर्ष में देश में कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड छूने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो अगर कोहरा ऐसे ही लगातार पड़ता रहा तो इस बार गेहूं के उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा बढ़ोतरी होगी। वही किसानों ने भी बारिश से रबी की फसलों में लाभ होने की बात कही है। किसानों का कहना है कि बारिश का फसलों में कृत्रिम सिंचाई से अधिक लाभ होता है। जिस वर्ष इन दिनों बारिश होती है उस साल उत्पादन भी अच्छा होता है। इस विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह मौसम गेहूं की फसल के लिए बहुत अनुकूल है। अगर सर्दी और कोहरा ऐसे ही पड़ता रहा तो हम इस सीजन में रिकॉर्ड 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस बार 102 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन ही लक्ष्य निर्धारित किया है, किंतु हमें आशा है कि हम इससे कहीं अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। सर्दी अच्छी पड़ने से गेहूं की बंपर फसल होने का अनुमान है। अभी तक गेहूं में कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं आई है। अगर फिर भी किसानों को किसी तरह की बीमारी का अंदेशा हो तो वे कृषि अधिकारी या सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की किस्म DBW 303 को किसानों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस बार हम इसका बड़ी मात्रा में बीज किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रयास भी करेंगे। ना चाहेंगे जो एक दो दिन से वर्षा हो रही है तो कितना फायदेमंद मानते हैं किसानों के लिए? जो उत्तर भारत में पिछले दो दिनों से हल्की बरसात हो रही है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य भागों में, जम्मू कश्मीर के मैदानी क्षेत्रों में, वो खास तौर से गेहूं के लिए बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है और संकेत है। और इससे दो फायदे हैं, एक तो मौसम में थोड़ा ठंडक आ जाएगी, अच्छा मौसम बना रहेगा जिससे उसकी टिलरिंग बढ़िया होगी, और किसानों का कम से कम एक सिंचाई का निश्चित ही बचत होगा। तो कुल मिला जुला के बारिश गेहूं के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो सर, अपना जो इस बार का टारगेट था संस्थान का, क्या जो सरकार ने इस बार टारगेट रखा है हमारा गेहूं के उत्पादन का वर्ष 2021 में, वो 107 मिलियन टन का रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से गेहूं का रकबा पिछले दिनों में देश में बढ़ा है, 32.5 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं की बुआई लगभग हो चुकी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 112 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य निश्चित तौर पे हम लोग ले पाने में सफल रहेंगे। तो सर, किसानों को किस तरह से जागरूक करता है संस्थान? सर, संस्थान जो है किसानों से लगातार संपर्क में रहता है, जानते ही हैं, जो है भारत सरकार का मोटो है ICR का, फार्मर फर्स्ट। तो हम अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, और जो हमारा एक्सटेंशन का मशीनरी है उसके माध्यम से किसानों को समय समय पर जो वैज्ञानिक जानकारी है वो उपलब्ध कराते रहते हैं। कौन सा बीज, कौन सी किस्म ले, कब उसको बोना है, कितनी मात्रा में खाद इत्यादि लेना है। तो वैसे भी किसान इस इलाके के काफ़ी जागरूक हैं और समय समय पर वो संस्थान में भी आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं साइंटिस्ट से। तो हम जो नई नई जानकारियां हैं उसको पहुंचाने में बहुत कम समय लेते हैं और किसान के द्वार तक पहुंचा देते हैं। सर, जो इस तरह से बरसात या ठंड पड़ती रही तो कितना फायदेमंद होगी सर फसल की? देखिए, जो हमारी नई वैरायटीज हैं, खासतौर से DBW 187 है और 303 है और 222 है, वो बहुत हाई टिलरिंग टाइप की वैरायटीज हैं। तो उसमें बरसात और ठंड, आप ये समझिए कि जैसे आसमान से सोना बरस रहा है, और इनमें टिलरिंग इतनी जबरदस्त होगी, अब यकीन माने बहुत अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। और फिलहाल अभी तक हमको जहां तक सूचना प्राप्त हुई है, हमारी मशीनरी एक्टिव रहती है, किसी भी किस्म की कोई रोग का रिपोर्ट अभी तक फिलहाल हमारे पास नहीं आया है। तो इस साल ऐसा मानना है मेरा कि क्लीन रहेगा जो सीजन है, और जो बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी, क्योंकि हमारी किस्में बहुत अच्छी हैं और उत्पादन बहुत अच्छा होगा, और ये बरसात तो उसमें आप ये समझिए कि विटामिन का कार्य करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जंगम आयुर्वेदा, जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता, बना आपकी जिंदगी का हिस्सा। अब जंगम आयुर्वेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट, जिनमें शुगर के लिए जंगम डी रस योग किट, जोड़ों के जिद्दी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित समस्याओं के लिए जंगम स्वर्ण कलश नारी योग किट, बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट, बेहतर पाचन के लिए जंगम पाचक रस किट, थायराइड के लिए जंगम थायरो किट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुर्बलता ठीक करने में सहायक जंगम स्वर्ण कलश योग किट के साथ साथ और भी अद्भुत औषधियां। इन सभी औषधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य, डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स व मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें। जंगम आयुर्वेदा, नीलोखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9817098180।